राजस्थान प्रदेश राशन डीलर संघर्ष समिति के बैनर तले आज अजमेर राशन डीलर ने जेएलएन अस्पताल से कलेक्टरेट तक विरोध मार्च निकालते हुए 10 सूत्रीय मांग पत्र मुख्यमंत्री के नाम सौंपा है, जिसमें बताया गया कि राशन डीलर विगत 5 साल से परेशान है और अपनी मांगों को लेकर लगातार सरकार को जगाया जा रहा है, लेकिन फिर भी उनकी मांगों पर कोई सहमति नहीं बन रही। ऐसे में आगामी 18 अप्रैल को राजस्थान प्रदेश के सभी राशन डीलर मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेंगे और अपना आंदोलन जारी रखेंगे। अजमेर राशन डीलर का कहना है कि वाधवा आयोग की रिपोर्ट लागू करने, कमीशन को बढ़ाने, कटौती बंद करने और अनाज की छीजत को बंद करते हुए राहत देने के साथ ही अनुकंपा नियुक्ति में राहत की मांग की गई है। अगर उनकी मांगों पर जल्द सहमति नहीं बनती है तो फिर आगामी दिनों में सभी राशन डीलर जयपुर मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेंगे और अपनी मांगों से अवगत कराएंगे और मांगें पूरी नहीं होने तक आंदोलन जारी रहेगा। सर, हम लोग पिछले 5 साल से हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। हम राशन यूनियन डीलर, सरकार ने हमारे को पीओएस मशीन भी लगा दी, हमने उसको भी हमने कर लिया। उस पीओएस मशीन से हम लोग एक नंबर में काम कर रहे हैं, लेकिन सरकार अभी भी हमारा ना मानदेय कर रही है ना कमीशन दे रही है समय पे। हम पिछले 5 साल से इतना संघर्ष कर रहे हैं कि मतलब किसी को जवाब नहीं। आज अंत में हम लोग अजमेर जिला, पूरा राजस्थान एक होके और पूरे मुख्यमंत्री के नाम हम लोग ज्ञापन देना है, जिसमें हमें 10 सूत्री मांग पत्र है। कलेक्टर साहब से हम मिले हैं, कलेक्टर बड़े सावधानपूर्ण वातावरण में बात करिए। उन्होंने आपकी जो समस्या है मैं मुख्यमंत्री को और आगे मैं अवगत करा दूँगा। हमारी 10 सूत्री मांग पत्र पहले, सबसे पहले तो हमारे कमीशन का है, वाधवा आयोग जो हमारी जो करा उन्होंने वो उसको लागू करने का है। आशीष शर्मा, प्रदेश संयोजक। सरकार की नीतियों से परेशान होकर आज 10 सूत्रीय मांग पत्र को लेकर हम यहाँ कलेक्टर साहब के आए हैं, जो मुख्यमंत्री जी के नाम दिया गया है। उसमें हमारी जो मुख्य छिजत है, जो हमारी इधर उधर खाद्यान्न का परिवहन जो होता है उसमें छिजत आती है, वो 2 किलो प्रति क्विंटल हमें छिजत देंगे। और हमारी जो कटौती चल रही है 15 रुपये 21 पैसे की 2 साल से बिना किसी उचित कारण के, हमें जो कमीशन मिल रहा है 125 रुपये, उससे सरकार एक कंपनी को फायदा पहुंचाने के लिए 15 रुपये 21 पैसे बिना मतलब किसी कारण के काट रहे, उसको बंद करें, वाधवा आयोग की रिपोर्ट लागू करें। वाधवा आयोग की रिपोर्ट लागू होती है तो हमें भी अर्ध सरकारी कर्मचारी का दर्जा मिल सकता है, उसमें हमें भी 30,000 रुपये के लगभग जो हमारी ये हमारी मांग है वो पूरी हो सकती है। तो ऐसे करके जैसे हमारे ये अनुकंपा नियुक्ति है, उसमें जो एजुकेशन की है या उम्र की जो बाध्यता है उसको समाप्त करें। ऐसे करके हमारे 10 सूत्रीय मांग पत्र है, हमने माननीय कलेक्टर साहब के माध्यम से गहलोत साहब को जगाने के लिए यहाँ दिया है। अब सरकार अगर इस पर उचित कार्यवाही करती है और हमारे हित में कोई निर्णय लेती है तो ठीक है, नहीं तो 18 तारीख को हम CM आवास का घेराव करेंगे। शिवराज चौधरी।